कहना पड़ेगा हमारी महिला पायलट्स को देखकर सीना जो है ना वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, जश्न मनाने का मन करता है। जी हाँ, जीवन का जश्न, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर जब पुरुषों के साथ आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए डटी रहती है ना, तो एक तसल्ली होती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सब ठीक हो ही रहा है तो एक जश्न तो बनता है आज भी, क्योंकि आज है शब्बीर आलूवालिया का जन्मदिन। तो चलिए चलकर इनको जन्मदिन की ढेरों बधाई देकर आते हैं। बड़े दिल वाला है, चेहरे पर हर वक्त स्माइल लिए घूमने वाला है। पहले था वो मोस्ट वांटेड बैचलर इन टाउन, लेकिन अब वो मोस्ट इंस्पायरिंग फादर इन टाउन बन चुका है। शब्बीर आलूवालिया, बस नाम ही काफी है फैंस के दिलों में शॉकिंग वेव्स देने के लिए। और आज है 10th of August, यानी शब्बीर का जन्मदिन। अपने बर्थडे पर शब्बीर ने एक एक्सक्लूसिव मुलाकात की अपने सबसे फेवरेट सास बहू और साजिश से, और बताया कि कोरोना काल में कैसा होगा उनका जन्मदिन और क्या क्या चीजें वो मिस कर रहे हैं। कुछ नहीं, जैसे सब जगह पर लेते हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, हाइजीन रखना, सो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सिर्फ शूटिंग लाइन में ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो या कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर प्रोडक्शन वर्क में, बहुत ज़रूरी है कि लोग अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाइजीन मेंटेन करें। बेसिकली सबको अपना ख्याल रखना है। बिफोर कोरोना भी साइकिल चलाता था, अब आफ्टर कोरोना भी साइकिल चलाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस वजह से साइकिल चला रहा हूँ, आई लव साइकिलिंग, एक इट्स अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज, बट अच्छा लगता है, बचपन से करता आया हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। सी द थिंग इज, इट्स वर्क एंड सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना जाने वाला तो नहीं है। हमें अगर काम करना है तो बाहर आकर प्रिकॉशन लेना है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, वेयर योर मास्क एंड जस्ट होप दैट आपको कोरोना ना हो। शब्बीर ने बताया कि कैसे कोरोना काल में वो बच्चों का ना सिर्फ ध्यान रख रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन के वक्त उन्होंने बच्चों को कैसे एंटरटेन किया और कैसे एंगेज रखा। लॉकडाउन अच्छा था, फैमिली के साथ वक्त बिताया, एक तरह से ये भी था कि शूट शुरू करना था, सेट पर आना था, एक कमिटमेंट था, लेकिन लॉकडाउन की जब बात करें तो इट वॉज ऑल इन ऑल वेरी वेरी नाइस। काफ़ी वक्त मिला मुझे अपने बेटों और अपने वाइफ और फैमिली के साथ गुजारने का। जो सारी चीज़ें मैं बचपन में बाहर किया करता था, अभी उसे घर में करने लगा था, सो इट वाज नाइस। वैसे शब्बीर की मस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन शब्बीर अपनी मस्ती के साथ साथ काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं। सब कुछ मेरे ख्याल से, अब मेरी जो लाइफ है वो घर से शूट, शूट से घर, घर से शूट, शूट से घर। एक ही चीज़ जो बदली थी वो था मेरा स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहा था, वो अभी भी नहीं खेल पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मोर ऑर लेस अब मेरे लिए सब कुछ बैक टू नॉर्मल जैसा हो गया। एक चीज़ है कि मैं पहले जैसे लोगों से मिलता था वैसे नहीं मिलता हूँ, पहले जैसे इंटरव्यूज देता था अब वैसे नहीं दे पा रहा हूँ। मस्ती करने का मन कर रहा है लेकिन उसके लिए मास्क उतारना पड़ेगा, इसलिए मस्ती नहीं कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली लोग काफ़ी रिजर्व हो गए, अपने अपने स्पेस में आ गए। पहले जैसे मिलते थे तो सब एक दूसरे कंधे में हाथ रखना, हाई फाई देना, जप्पी पाना, ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं इसे एक नया नॉर्मल नहीं कहूँगा, बिकॉज आई वुडंट वांट टू बिलीव दैट ऐसी कोई चीज़ नॉर्मल हो सकती है। सो आई एम होपिंग दैट ये कोरोना जो है वो जल्दी से चला जाए एंड दिस कैन नॉट बी अ न्यू नॉर्मल।
बिल्कुल ठीक कहा शबीर, दिस कैन नॉट बी अ न्यू नॉर्मल। लेकिन इस न्यू नॉर्मल के बीच शूट का पहला दिन कैसा था? फर्स्ट डे सेट पर ये थोड़ा डार्क ह्यूमर है, लेकिन आग लग गई थी। और क्या सोशल डिस्टेंसिंग में अभी और प्रज्ञा नजदीक आएंगे? वो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग रोमांस पिछले 1.5 साल से चल रहा है। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। एंड इट्स दे आर वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी हैव ऑल कम बैक, वी आर वर्किंग ऑन द सेट, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस दैट इवन आफ्टर कमिंग बैक द शो हैज़ गॉटन अ गुड रिस्पॉन्स। सो थैंक यू। आप लोग, ये शो है क्योंकि आप लोग हैं, आप लोग नहीं तो ये शो नहीं। सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग दिस शो, थैंक यू फॉर लविंग अभी, प्रज्ञा एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स एंड एंड या। तो प्रज्ञा के अभी, कांची के हस्बैंड और दर्शकों के चहेते शब्बीर आलूवालिया को सास बहू और साजिश की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो। मुंबई से नेहा सावंत और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।